सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। सो गाइस, मेरे इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आती है, रेगुलर लाइव भी करती है, टाइम मिले तो नहीं। आप लोग तो उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, बट उन्होंने भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया मेरे को। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। हाथ सुने हल्का हाथ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। म्यूजिक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे यहाँ पर है मेरा दिल्ली का वाईफाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ये भी नहीं दिखा सकता हूँ। और कुछ दवाई है यहाँ पर, ये पैसा ही पैसा होगा। अरे ये रहा फोन, इसमें इस वाले आप लोग देखिए गाइस, में इस वाले फोन पे खेलता हूँ। इसका हालत देखिए आप लोग, ये ऐसे फट गई है पूरा से पूरा। और इसको लॉक किए, लॉक करे तो यहाँ पर से क्रैक है, यहाँ पर से क्रैक है, यहाँ पर मतलब डैमेज ही डैमेज है इसमें। ये फोन में बहुत दिन से अच्छा फोन है, बट पबजी के लिए एकदम से ही अच्छा नहीं चलता है। इसमें हम गेम प्ले करते हैं, सो आगे मैं इसमें ही करूँगा। ट्राई करते हैं इसमें अच्छे गेम प्ले करने के लिए, क्योंकि एक प्लेयर के लिए डिवाइस से ज़्यादा प्लेयर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप में स्किल हो तो आप डिवाइस में भी आप लोग खेल सकते हो, आरओजी या फिर आईफोन में। हाँ, आईफोन आरओजी चाहिए, बट आप में स्किल है तो आप लोअर डिवाइस में भी अच्छे रैंक कर पाओगे या फिर अच्छे गेम प्ले भी कर पाओगे। और आप जब ग्रो करोगे तब आप ले लेंगे एक अच्छी सी फोन। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चलो गाइस, आप इस तरह बैठते सो गाइस, देखो यहां पर है मेरा पीसी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये वाला मॉनिटर जो मैंने करीबन 2015 में लिया था, ये वाला मॉनिटर क्या बोलते हैं उसको, ये थोड़ा पुराना वाला है, इससे भी हम काम चला लेते हैं अभी के लिए। और ये रहा एक रैंडम ऑफिस टाइप का, जो ऑफिस में जो कीबोर्ड यूज होते हैं वो नॉर्मल वाला कीबोर्ड है, इसमें कोई आरजीबी नहीं है, लाइटवेट नहीं है। और ये भी माउस है, ये माउस भी मेरे नॉर्मल वाला ही माउस है, मेरा 2015 की सेटअप है ये। और ये तीनों में एक साथ लिया था। ये फोनटेक का कीबोर्ड है और ये है
इसी का मॉनिटर, और ये भी शायद फॉन्टेक का ही है, इसका लोगो गुम हो गया काबर, ये भी फॉन्टेक का ही है माउस। और गाइस यहाँ पर एक ब्लूटूथ स्पीकर, इससे मैं कभी कभार गाना वाना सुन लेता हूँ। और यहाँ पर है गाइस एक और हेडफोन जो किसी काम का नहीं है गाइस, इसमें हम पहले गेम प्ले करते थे जब पबजी बैन नहीं हुए तब मैं गेम प्ले करता था इस वाले हेडफोन से। ये वाला हेडफोन भाई बहुत मस्त है भाई, इससे मैं बहुत बहुत दिन खेला गाइस, करीबन एक साल मैंने खेला इससे। कैसा लगा मेरा मजाक? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। ये गाइस एक मोटोरोला की हेडफोन है, ये मेरे को करीबन 800 या 900 में परचेज किया था मैंने, अमेजोन से किया था मैंने। गाइस बहुत अच्छी, देखो इसका क्वालिटी अभी बहुत ही सही है, इसका कोई भी निशान नहीं है, कोई भी क्रैक व्रैक या फिर वायर की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है ये वाला जैक। ये जैक मेरे से मैं गेम प्ले करने की बहुत गुस्सा हो गया था थोड़ा, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा मेरा गुस्सा निकाला और ये खत्म हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद मैंने एक नया वाला जैक लगाया जो किसी काम का नहीं है, गया ये वाला है, ये वाला है, तो मेरा गया। उसके बाद हम चलते मेरा सीपीयू मेन, जो किसी के लिए जो मेन चीज होता है वो है सीपीयू। इसमें गाइस इसको मैं लॉकडाउन के मिली में मैं इसको परचेज किया था, मतलब मैंने इसको कस्टम में बिल्ड किया था। मैंने सोचा था कि इस किसी से मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, उसमें ऐसे पूछ लिए और कुछ गेम भी ट्राई करना थे मेरे को, उसमें मैं किसी को बिल्ड किया था गाइस। मैं आपको इस किसी को चला के दिखाता हूं। गाइस इसी मैंने स्टार्ट किया है, देखो इसमें थोड़ा सा आरजीबी है, स्ट्राइक जो है ना पंखा का जो स्ट्राइक है उसका स्ट्राइक जो आरजीबी है, और यह पर मेरे पंखे है मतलब जो एग्जॉस्ट का तेल है वो वाला पंखा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा पीछे और है एग्जॉस्ट के लिए, उसका भी स्ट्राइक जो है मतलब पंखे का जो बॉर्डर है उस वाले से थोड़ा बहुत है। और मैं इसका स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि मेरे इस पीसी के मैंने लगाया है 3 या 10 की ग्राफिक्स कार्ड, जो मेरे को करीबन 20,000 में मिल गया था, क्योंकि मेरे जब मेरा था जीपीयू उस बार जीपीयू की बहुत स्टॉक आउट चल रही थी, मतलब नहीं मिल रही थी, तो मेरे को 20,000 में मेरे को परचेज करना पड़ा लॉकडाउन में। इस कैबिनेट को लिया है शायद 3 या 3,500 में मेरे ये कैबिनेट मिला, और इसके अंदर है 16 GB रैम ऑर्डर करके क्रॉसियर का रैम है, और इसमें लगा है AMD राइजन का राइजन 5 लगा हुआ है, राइजन 5 3500X ऐसे कुछ लगा है इसमें, और तो मदरबोर्ड है इसमें GigaByte की मदरबोर्ड है, और कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, पावर सप्लाई है या फिर SSD है कुछ ऐसा कुछ। तो गाइस ये गया मेरा पीसी का सेटअप, बस इतना ही है गरीब का, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते आपको, बस इतना ही कुछ पीसी है। तो गाइस ये रहा मेरा पीसी का सेटअप, बस इतना ही था छोटा मोटा पीसी। तो इससे तो हम थोड़ा बहुत अब स्ट्रीम व्रीम करते हैं, बट आप लोग तो सपोर्ट नहीं करते, सो मैंने सोच रहा हूँ कि छोड़ दूँ स्ट्रीम करना, छोड़ दूँ गाइस, क्योंकि आप लोग तो थोड़ा बहुत भी स्ट्रीम नहीं किए, थोड़ा बहुत भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो। सो चलो देखते हैं आगे क्या है और भी। सो गाइस ये रहा मेरा सस्ता वाला हेडफोन, देखो ये वाला हेडफोन से है, ये इसका भी ब्रांड, इसका भी एक टैग था, ये यूनिकॉर्न का है, 80 rupees का यूनिकॉर्न का हेडफोन है, मतलब सस्ता वाला हेडफोन है। इस वाले हेडफोन से मैं खेलता हूँ, ये सीक्रेट है, सच में ये सीक्रेट है, इसको सभी नहीं पता है, सबको नहीं पता है सीक्रेट वाला सीक्रेट, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। समझ रहे हो? हाँ गाइस, जो कोई भी पबजी प्लेयर है, जो कोई भी पबजी खेलते हैं यानी BGMI खेलते हैं गाइस, सभी का ये हथियार मतलब कॉमन है, सभी लोग यूज करते हैं, जो लोग बड़ा सारा सेटा यूज करते हैं उन लोगों के पास तो अलग ही बात है, बट
मेरे जैसे मिथिकास बॉय के लिए ये मेन हथियार है। और एक हथियार है गाइस, ये वाला हथियार, ये तो मेरा अब इस समय में इस गर्मी में मेरे को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ गाइस, मेरा एटी वाला हेडफोन से बहुत ज़्यादा नॉइज आती है, सो मेरा साउंड ही नहीं आती है, सिर्फ इस पंखे की साउंड आती है, इसलिए गाइस मैं थोड़ा बहुत ए सी चला लेता हूँ, सो उससे थोड़ा कम नॉइज आती है। तो गाइस चलो दिखाते हैं आपको, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक खिड़की है, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम बंद ही रखता हूँ, क्योंकि इससे बहुत साउंड आती है। बाजू में एक घर है, उससे साउंड आती है, उसमें एक बच्चा है, उससे बहुत साउंड आती है। सो वाइस बस इतना ही था, अगर भैया है इसमें तो हम सोते कम है, इसमें हम गेम खेलते ज्यादा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। और कुछ खाने का नहीं है, हाँ ये पर एक अलमारी है, सोच रहा होगा इसके YouTube में मेरे को सक्सेस नहीं मिला तो एक मास्क की दुकान खोल लूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मास्क है मेरे घर पे, और भी जगह पर है बहुत बहुत सारे मास्क। सोच रहा हूँ एक मास्क की बिजनेस कर लूँ, या फिर आप लोगों में से किसी को भी मास्क चाहिए तो मेरे को मेरी इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, ये बहुत सस्ते में है मास्क। सो चलो गाइस बस इतना ही था, और तो कुछ दिखाने का नहीं है, मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे रूम के। सो गाइस देखो बस इतना ही था, ऐसा करके कुछ है मेरे रूम पे, ये अलमारी, और ये था क्या किया, यहाँ पर एक खिड़की है, मतलब सॉरी यहाँ पर एक दरवाजा है, कैसा लगा मेरा मजाक। और यहाँ पर भी एक दरवाजा है, ये जाती है डाइनिंग पे, और ये वाला जाती है मेन गेट की तरफ, दो दरवाजे हैं मेरे घर पे। सो गाइस बस इतना ही था आज के लिए, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने, इससे ज्यादा कुछ दिखाने का नहीं है गाइस, सो वीडियो को और ज्यादा नहीं खींचते। सो गाइस चलो बस आज की वीडियो इतना ही था, बहुत बच गया, चाहे तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मेरे को, क्योंकि मैं भी एक गेमिंग इंडस्ट्री में मेरा गेम नाम बनाना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छी करियर करना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट बनाना चाहती हूँ। सो गाइस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसी कंटेंट, ऐसी वीडियोस, गेमप्ले की वीडियोस, मॉन्टेज वीडियोस, लाइव स्ट्रीम ऐसी आती रहती है। सो आप लोग को मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना है गाइस, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। इसी उम्मीद के साथ गाइस मिलते हैं एक नए वाले वीडियो के साथ, चलो मिलते हैं नए वाले।